उन्नाव के बागरमऊ समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जिला मुख्यालय से आए नाट्य दल ने तिकोनिया पार्क पर नाटक का मंचन किया। दल के कलाकारों द्वारा ही नाटक के माध्यम से नागरिकों को स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं बता दें कि जिले के नई नाटक मंडली ने लघु नाटिका प्रस्तुति करते हुए आम नागरिकों का आह्वान करते हुए गंदगी में मच्छर मक्खियां और जहरीले कीड़े पनपते हैं जिससे बीमारियां भी फैलती हैं। कलाकारों ने बता दें कि हारमोनियम की सुरीली धुन और ढोलक की थाप पर स्वच्छता लोकगीत प्रस्तुत कर लोगों को अपना घर और घर के बाहर स्थित नाली खड़ंजा आदि साफ सुथरा रखने एवं अन्य परिजनों के कपड़े और शरीर स्वच्छ रखने के संदेश दिए। नाटक दल के नेतृत्व में पालिका के अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने कहा है कि मंच के दौरान पालिका के वरिष्ठ दिलीप वीरेंद्र कुमार, सफाई नायक मुकेश कुमार, सुनील कुमार सहित कई अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए मोहम्मद इरफान खान बागरमऊ। मंदिर तो सामने है मगर मंदिर पर पहुंचा कैसे जाए। इस घर वाले को भैया हमें लाख बार समझाया कि नाली में कूड़ा मत डाला करो, मिलेगा वो सोच भी देखो पूरे रास्ते में फैल रहा है, बोलो जाए तो कैसे जाए। मैंने इसे हर बार ये समझाने की कोशिश की कि देखो नाली में कूड़ा मत डालो, अगर सफाई रखो तो आपका कल्याण होगा, लोगों से मुक्ति मिलेगी। पर ये मानता नहीं, आप कोशिश करें भैया करें हमें मारने लगेगा तो बचाने आओगे कि नहीं आओगे। हाँ बहुत अच्छे, ये घर कलुआ का है, अभी बुलाते देखो। अरे कलुआ देखो बेटा, कर लो ये घर किसका है, तुम्हारा है ना, ये दरवाजा भी तुम्हारा ही है, ये नाली भी तुम्हारी है, अच्छा है इसने जो कूड़ा डाला ये भी तुम्हारा ही है, क्यों डालते हो? नहीं पूरा जहाँ संरक्षित है, लेकिन नगर पालिका की गाड़ियाँ आती है उनमें तो देखो ये रखे हुए सफाई के पूरा कर डाल पूरे बाहर से डाले। देखो कैसे चले जाए, बाहरी चाहे ना बाहरी नहीं, गंदगी फैलाओगे तो बीमारियाँ फैलेंगे। बीमारी में नहीं उठती है, आएंगे क्यों नहीं, पाटन की था रोज। हाँ बीमारी कहाँ बटे आई, अरे नहीं।